वॉचिंग मी ऑन फिटटेक। दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ हमारा हैशटैग FTKONE का एपिसोड। तो दोस्तों देखते हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो दोस्तों दो क्वेश्चन आए हैं और दोनों के दोनों एक ही पर्सन की तरफ से आए हैं और इनका नाम है शुभम यादव। दोस्तों इनका पहला क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी परचेज कैसे करें। ओके दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफी लोगों के दिमाग में घूम रहा है बेसिकली, और हम सब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए, डिजिटल वॉलेट जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को रख सको। और दोस्तों इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया या और कोई आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, फोन नंबर होना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ आपको एक चाहिए एक अच्छी सी ऐप जिसकी हेल्प से आप क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर पाओ। तो बेसिकली दोस्तों मैं बताता हूँ, क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक स्टॉक मार्केट की तरह ही है जिसमें हम मतलब परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आती है। दोस्तों मैं बता दूं इसके लिए बहुत अलग अलग वॉलेट्स बने हुए हैं, अभी आपके हिसाब से आप कोई भी देख सकते हो। आप जाके गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए कि आपको परचेज करनी है क्रिप्टो करेंसी, तो बहुत सारे आपको एप्स मिल जाएंगी। वहां पर आपको अलग अलग तरह के ऑफर्स भी मिल जाएंगे। मिनिमम अमाउंट जो होती है दोस्तों कई एप्स में 100 रुपीज होती है, कईयों में 500 रुपीज होती है। तो डिपेंड करता है दोस्तों कैसी ऐप है और कैसा वो अपनी ऑफर देते हैं, कैसी सर्विस देते हैं, तो उसके हिसाब से आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। तो बेसिकली आपको एक सबसे पहले ऐप करनी पड़ेगी डाउनलोड प्ले स्टोर पे जाके। दोस्तों आप क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारी एप्स है, मैं किसी को स्पेसिफिकली कह नहीं सकता कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। तो दोस्तों वैसे बहुत सारी एप्स अवेलेबल है जैसे मैंने आपको पहले कहा है, तो इसके अंदर आप ले सकते हो। कुछ क्वाइन बेस्ड होती हैं, अब मुझे नाम तो याद नहीं है दोस्तों, क्रिप्टो क्वाइंस हो सकता है, विजार्ड एक्स हो सकती है या कोई और जो कि आपको सही लगे। तो दोस्तों डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन सी ऐप आप यूज करते हो। और दोस्तों उसके बाद जो है आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, आप बैंक अकाउंट का यूज कर सकते हो, यूपीआई का यूज कर सकते हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन चीजों का यूज कर सकते हो ताकि आप पेमेंट कर सको या फिर अगर आप बेच रहे हो तो पेमेंट ले सको। तो दोस्तों इसके अलावा जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की बात बताई है, उन डॉक्यूमेंट्स की और आपकी केवाईसी होती है बेसिकली, उसके बाद जो है आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद पाते हो। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था यहां पर कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी वैलिड है या नहीं वैलिड है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो लीगल नहीं है ना ही इनलीगल है, तो ये अभी जो है डिसाइडेड नहीं हुआ है क्योंकि इसके ऊपर कोई रूल नहीं है अभी। तो दोस्तों सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि आप खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो, अभी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर जल्दी ही कोई नया रूल आ सकता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप रूल के लिए रुकना चाहते हो, अगर आप अपनी सेफ्टी देखना चाहते हो तो रुक जाइए, अदरवाइज खरीद सकते हो। तो दोस्तों इनका अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज रिलेशन ऑफ जैगुआर एंड लैंड रोवर। अब दोस्तों ये जी चीज है ये तो बहुत ही लोगों को, कम लोगों को पता होती है। वैसे जैगुआर और लैंड रोवर जो है ये दोनों की दोनों एक ही कंपनियां हैं बेसिकली, इनका जो पेरेंट कंपनी है वो एक ही है और वो है टाटा मोटर्स। तो ये इंडियन है और टाटा मोटर की तरफ से, मतलब ये पेरेंट है उनकी टाटा मोटर, तो इनका रिलेशन बेसिकली यही है कि ये सिबलिंग्स हैं। दोस्तों आज के दो ही क्वेश्चन थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।